रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस से तेल आयात बंद कर दिया है। दूसरी तरफ रशियन बैंक्स के ट्रांजैक्शन को बंद करने की वजह से रूस दूसरे देशों को भी तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इस समय कोई भी देश किसी भी तरीके से रूस से तेल आयात नहीं कर सके। इन आर्थिक प्रतिबंध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। रूस अपने सहयोगी देशों से इस समय मदद की उम्मीद कर रहा है और तेल खरीदने पर हैवी डिस्काउंट का भी ऑफर दे रहा है। इस संकट की घड़ी में रूस की मदद करने भारत आगे आया है। भारत ने रूस को मदद करने के लिए एक अलग तरीके का पेमेंट सिस्टम बनाया है, जिससे रूस से तेल और दूसरी वस्तुओं का आयात किया जा सके। भारत की तरफ से एक बड़ी खबर यह है कि भारत अमेरिका की धमकी के बावजूद भी रूस से तेल आयात करने का निर्णय ले लिया है और भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से 3 मिलियन बैरल तेल आयात करने का ऑर्डर दे दिया है। भारत के इस निर्णय से रूस बहुत ही खुश होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इस निर्णय के बाद अब संभावना है कि भारत की दूसरी ऑयल रिफाइनरीज भी रूस से तेल आयात करने का ऑर्डर दे दें। जाहिर है कि भारत के इस कदम से अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश भारत से नाराज हो सकते हैं, लेकिन रूस के मुश्किल समय में भारत रूस की मदद करना चाहता है और भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों की धमकी की परवाह नहीं करने का फैसला लिया है। भारत का अमेरिका को नाराज करके रूस से तेल खरीदने का फैसला सही है या गलत, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सत्य भारत, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।